अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या आपको स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज आ रही? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। फातिमा जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। यस टीचर। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस। ओके, आपको मैं आज मजमून करवा रही हूँ कायदे आजम, और फर्स्ट टर्म का ये मजमून है कायदे आजम मजमून। सबसे पहले तो आपने मजमून की हेडिंग देनी है, उसके बाद उर्दू मार्केट से, और उसके नीचे जो है वन लाइन लीव करनी है, और आपने जो है स्टार्ट करना है मजमून। जैसे कि उसका पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, एक अंग्रेज मुहर्रख ने लिखा है कि दुनिया में फकत चंद अफराद ही ऐसे हुए होंगे जिन्होंने इनफरादी तौर पर मानी खेज अंदाज में तारीख के दहारे को तब्दील कर दियो। दहारे होता है चश्मे। शायद गिनती के चंद लोग ही होंगे जिन्होंने दुनिया के नक्शे में तरमीम कर दी हो। तरमीम होता है कि तब्दीली। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने किसी बिखरी हुई कौम को एक बनाकर उसे एक मिल्क दे दिया हो। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों कारनामे सर अंजाम दिए। तरमीम कहते हैं कि तब्दीली या दुरुस्ती के चंद ही गिनती के अफराद होंगे कि जिन्होंने दुनिया के नक्शे में तब्दीली के कर दी, और शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने किसी बिखरी हुई कौम को एक बनाकर उसे एक मुल्क दे दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों कारनामे सर अंजाम दिए थे। आपने इसको मार्कर से लिखना है और इसको हाईलाइट कर लें। जहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे स्टॉप होते हैं, यहाँ तक आप हाईलाइट कर लें। आपने इसको मार्कर से लिखना है। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्हें तमाम पाकिस्तानी अपना मौसम समझते हैं, और कायदे आजम और बाबा कौम के अलकबाद के अलकबाद से याद करते हैं। यहाँ आएगा के। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्हें तमाम पाकिस्तानी अपना मौसम पाकिस्तानी कौम जहाँ आएगा। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्हें तमाम जो है पाकिस्तानी कौम अपना मौसम समझती हैं, और कायदे आज़म बाबा कौम के अलकबाद की जगह के आएगा। ये दूसरा तरीका ये है कि आप अगर जिन्हें तमाम पाकिस्तानी समझते अपना मौसम समझते हैं, सेंटेंस को ठीक कर लें, ये गलती हुई है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जिन्हें तमाम पाकिस्तानी अगर कौम लिखते हैं तो समझती है, और अगर पाकिस्तानी लिखते हैं तो अपना मौसम समझते हैं, और कायदे आज़म बाबा कौम के अलकाबाद से याद करते हैं। 25 दिसंबर 1876 को वजीर मैनेश कराची में पैदा हुए। उन ये डेट आपने मार्कर से लिखनी है। वजीर मैनेश कराची में पैदा हुए। उनके वालद का नाम पूंजा जना और वालदा का नाम मिठी बाई जना था। आपके वालद गुजरात काठियावाड़ के रहने वाले थे। गुजरात काठियावाड़ को, खाली काठियावाड़ को आप हाईलाइट कर लें, के रहने वाले थे। कराची में चमड़े की तिजारत करते थे और खुशहाल थे। चुनाचे आपकी जो परवरिश है वो बड़े नाजु नाम में हुई। नाजु नाम का मतलब होता है कि बड़े लाडो प्यार में हुई। इब्तदाई तालीम का आगाज घर पर हुआ। जब आप 6 साल के हुए, 6 को आप हाईलाइट कर लें, तो आपको कराची के क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल और कुछ अरसे के बाद सिंध मदरसतुल इस्लाम में दाखिल करा दिया गया। और आपने इस तरह आपने बम्बई यूनिवर्सिटी को काट दें और इसकी जगह लिख लें, इस तरह आपने 16 साल इसकी जगह आपने बम्बई यूनिवर्सिटी आपने से लेकर बम्बई यूनिवर्सिटी तक काट लें। आपने लिखना है इस तरह, यानी कि आपने 16 साल की उम्र में मेट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। आप एक होनियार और ज़हीन तालिब इल्म थे और असूल इल्म का वाफर शौक़ रखते थे। असूल इल्म का यानी इल्म हासिल करने का वाफर, यानी बहुत ज़्यादा शौक़ रखते थे। वाफर का मतलब होता है बहुत। जब आपने मेट्रिक पास कर लिया, मेट्रिक का इम्तहान पास कर लिया, तो आपके वालिद आपको अपने साथ तजारती कारोबार में शरीक करना चाहते थे ताकि उनका कारोबार चमके, मगर आपके वालिद के एक मुखलिस दोस्त ने मोहम्मद अली जिन्ना की लियाकत देखकर उन्हें मशवरा दिया कि बच्चे को आला तालीम के लिए बरतानिया भेज देना चाहिए।
चुनाचे आपके वालिद ने आपको लंदन भेज दिया जहाँ से आपने लिंक्स इन यूनिवर्सिटी से बार एट लॉ का इम्तहान पास किया। लिंक्स इन यूनिवर्सिटी को हाईलाइट कर लें। इस दौरान में आपका घराना कराची से बम्बई मुंतकिल हो चुका था, चुनाचे आप भी बम्बई चले गए और 24 अगस्त 1896 को आपने इसको हाईलाइट कर लें। 24 अगस्त 1896 को, यानी कि मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे डेट्स आएंगी आपने उसको हाईलाइट करना। आपने कोर्ट के हाई कोर्ट के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराया और उसके साथ ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। बहुत ही कम अरसे में आपने अपने रिफकान कार से अपनी लियाकत का लोहा मनवाया और आपका शुमार चोटी के बम्बई के चोटी के वकीलों में होने लगा। चोटी के वकील कौन से होते हैं? जो बहुत ज्यादा शोहरत रखते हैं और बहुत ज्यादा जो अच्छे वकील होते हैं के जिनका बड़ा नाम होता है वो वाले। कुछ अरसे के बाद आपने बम्बई के एडवोकेट जनरल के साथ काम किया, फिर आरजी तौर पर रेजिडेंसी मजिस्ट्रेटों के बाज़ज़ां का मतलब होता है बाद में। इसके बाद आपको 1500 माहवार होता है कि महीने की जो मंथली इनकम जो होती है आपको 1500 रुपये माहवार के सरकारी अहदा की पेशकश हुई, मगर आपने ये कहकर उसे कबूल करने से इनकार कर दिया के बहुत कम अरसे में इतनी रकम तो मैं एक दिन में कमाने के काबिल हो जाऊंगा, यानी कि कुछ ही अरसा लगेगा और इतनी रकम मैं एक दिन में कमाऊंगा। मैंने इतने मंथली 1500 माहवार यानी महीने की इनकम पे काम नहीं करना, उन्होंने इनकार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना को जमाना तलब इलमी से यानी कि जब वो स्टूडेंट थे उस वक्त ही सियासत से खाली खास दिलचस्पी थी। आपके सवाना निगार हेक्टर ब्लाइथो एक जगह लिखते हैं कि इस जमाने में ज्यादातर तालिबे इल्म जमीन पर गोलियों से खेलते थे जिनसे कपड़े गर्द आलूद हो जाते थे। गर्द आलूद का मतलब क्या होता है कि गंदे हो जाते थे। आपने तालिबे इल्मों से कहा कि वो गोलियां ना खेलें बल्कि उन्हें क्रिकेट खेलने की तरफ रागब किया। रागब किया यानी कि मायल किया, उनका रुझान जो है क्रिकेट खेलने की तरफ किया कि क्रिकेट से गोलियां खेलने से क्या होता है कि बच्चे कपड़े गंदे कर लेते हैं। आपने बच्चों को कहा तलब इलमों से कहा कि गोलियों से मत खेलें बल्कि उन्हें क्रिकेट खेलने की तरफ रागब किया। जब आप बम्बई में वकालत कर रहे थे तो आप कांग्रेसी लीडर दादा भाई नूर जी से मुतासर थे और आप भी कांग्रेस के बड़े फहाल मेंबर थे। फहाल कौन से होते हैं? जो काम कर रहे होते हैं के क्योंकि उस वक्त कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी तंजीम थी, मगर जब 30 दिसंबर को ढाका में आल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखेगी तो आपने भी आल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली। शमूलियत अख्तियार कर ली यानी उसमें शामिल हो गए। 1909 में आप बम्बई के मुस्लिम हल्के में से पार्लियामानी कौंसिल के मेंबर मुंतखब हुए और 1913 तक मुसलमानों के हकूक के लिए काम किया। 1913 से 1919 तक आप हिंदू मुस्लिम इतिहाद के हामी थे, हमायत करने वाले। हामी किसको कहते हैं? हमायत करने वाले थे और हिंदू मुस्लिम इतिहाद के सफीर कहलाते थे। हिंदू मुस्लिम इतिहाद के सफीर को आप हाईलाइट कर लें और जितनी ही ऊपर डेट्स गुजर चुकी हैं इन सबको हाईलाइट करें। 1913 से 1919 इन सबको आप लोग हाईलाइट कर लें। मगर जब आपने देखा के को काफी कैसे करें के कांग्रेस तो हिंदुस्तान में हिंदू राज के लिए काम कर रही है तो आपने कांग्रेस में से इस्तीफा दे दिया और मुस्लिम लीग को तवाना बनाने के काम में लगे। तवाना यानी उसको आपने क्या किया कि कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और मुस्लिम लीग को कामयाब बनाने के लिए उसको तवाना बनाने के काम में लग के। मोहम्मद अली जिन्ना एक बेबाक और निडर होते हैं, उनसे होते हैं बहादुर लीडर थे और जरात व हक गोई की उम्दा मिसाल समझे जाते थे। बेटा मूवी से ऑफ कर दें, तलाल फातिमा अली तेरीम फातिमा बकौल अलामा इकबाल जो आयन जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। रुबाई क्या होती है? नींद। हक गोए बेबाकी क्या होगा कि वो आयन जवा मर्दा हक गोए व बेबाकी निडर होंगे और रुबाई नींद और मकार आदमी को भी कहा जाता है।
अल्लाह यहाँ नींद में हो गए, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। आपने इस शेर को हाईलाइट करना है और इसके ऊपर नीचे वन लाइन लीव करके आपने लिखना है। जब भी लिखें, कोई भी शेर लिखें, उसको हाईलाइट करें और उसके ऊपर नीचे वन लाइन लीव करें। उन्नीस सौ सोलह के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में जो लखनऊ में 30 और 31 दिसंबर को मनक्केद हुआ, 1916 को आप लोग हाईलाइट कर लें और 30 और 31 दिसंबर को मनक्केद हुआ। आपकी सियासी खिदमात की बिना पर आपको शानदार खराज अकीदत पेश किया गया। 1928 का मिसाक लखनऊ, 1928 का मिसाक लखनऊ, इसको हाईलाइट कर लें, जो हिंदू मुस्लिम इतिहाद की आखिरी कोशिश का था। हिंदू मुस्लिम इतिहाद यानी मुसलमानों और हिंदुओं के इतिहाद यानी आपस में इतफाक की आखिरी कोशिश था। आपकी कोशिशों से ही जहूर जहूर पजीर हुआ था। जहूर पजीर का मतलब होता था पैदा हुआ था। मगर आप कांग्रेस के मुतसबाना रवैये से बहुत दिल बर्दाश्ता थे और आपने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 1929 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से अंग्रेजी हुकूमत को कुछ मुतालबात पेश किए। अब ये जो है 1929, आपने इसको हाईलाइट करना है। आपने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 1929 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से अंग्रेजी हुकूमत को कुछ मतलबात पेश किए, जिन्हें तारीख में क्या कहा जाता है, कायदे आज़म के 14 निकात के नाम से याद किया जाता है। 14 निकात को क्या करेंगे, आपने हाईलाइट करना है, मार्कर से लिखना है। 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास अलाहाबाद के मुकाम पर हुआ। अब 1930 को आपने हाईलाइट करना है और क्या है, उन्नीस सौ तीस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास अलाहाबाद के मुकाम पर हुआ। अब जो है 1930 को आपने हाईलाइट करना है, जिसकी सदारत अल्लामा इकबाल ने की और उन्होंने अपने खुतबा सदारत में मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया के मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया को आपने हाईलाइट करना है और जिससे की तजवीज़ पेश की, जिसे बाद अजां के बाद में दो कौमी नज़रिया या नज़रिया पाकिस्तान का नाम दिया गया। इस दौरान में कायदे आज़म गोल में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन जा चुके थे और वर्बर अजीम के मामलात से इस कदर दिल बर्दाश्त हो चुके थे कि उन्होंने लंदन में रह जाने का फैसला कर लिया था। मगर अलामा इकबाल ने पे दर पे कई खत लिखे। पे दर पे का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, के उन्होंने बताया कि इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और आप ही उनकी सही रहनुमाई कर सकते हैं। कायदे आजम ने, कायदे आजम यहाँ गलत लिखा हुआ है, आपने इसको करेक्ट लिखना है, अलामा इकबाल के मशवरे की बहुत कदर की और उन्होंने दो कौमी नज़रिए के तहत मुसलमानों की आज़ादी के लिए जदोजहद शुरू कर दी। यहाँ पे ये शुरू सही कर लें। और 23 मार्च 1940 को जब लाहौर के मंटो पार्क में कायदे आज़म की सदारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का तारीखी इजलास हुआ तो मुतफिका तौर पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर कर लेगी, जिसमें मुसलमानों के लिए जुदगाना और आज़ाद मुल्कत का मुतालबा किया गया था। कायदे आज़म की मुसलसल जांफशानियों के बाद बालाखर हुकूमत बरतानिया और कांग्रेस ने 3 जून 1947 को मुसलमानों की अलादा मुमलकत का मुतालबा तस्लीम कर लिया। 3 जून 1947 को आप हाईलाइट कर लें। इसी रोज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया रेडियो से अपनी तकरीर में मुस्लिम लीग के नुक्ते नजर के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के अल्फाज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद को आप हाईलाइट कर लें। इस तरह 14 अगस्त 1947 को ममलकत खुदादाद पाकिस्तान वजूद में आ गई। 14 अगस्त 1947 को आपने हाईलाइट करना है। कौम ने अपने अजीम मोहसिन की ग्रां कदर खिदमात के इतराफ़ के तौर पर उन्हें कायदे आज़म और बाबाए कौम, इसको हाईलाइट कर लें। कायदे आज़म और बाबाए कौम को और उनकी बहन फातिमा जिन्ना को जो जदोजहद आज़ादी में अपने भाई की शरीक कार थी, मादरे मिल्लत के अलकाबात दिए, मादरे मिल्लत को हाईलाइट कर लें।
कायदे आजम की कोशिशों के नतीजे में मिलने वाली आज़ादी ने 10 करोड़ मुसलमानों को आज़ाद कौमों की सफ में ला खड़ा कर दिया और आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए। नई मुमलकत के दौर में इब्तदा में भारत ने पाकिस्तान की राह में बड़े रोड़े अटकाए और पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ा, जिनमें से मसला कश्मीर आज तक मौजूद है, मौजूद लिखेंगे ये लफ्ज़ गलत लिखा हुआ है, जिसके तफसीली बयान का शायद ये मौका नहीं मगर ये ज़रूर है कि कायदे आज़म को मुल्क का नज़म व नस्क चलाने में दिन रात जिस कदर मेहनत करना पड़ी उसने आपकी सेहत को बुरी तरह मुतासर किया। हर चंद डॉक्टरों ने आपको मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया मगर आपने अपनी सेहत की परवाह ना की, परवाह में ही को काटते और मुल्क के लिए काम करते रहे लेकिन ताबा को काटते आखिर 11 सितंबर 1948 को राय मुल्क अदम हुए। राय मुल्क अदम हुए यानी कि अपने खाले के कीकी से जा मिले 11 सितंबर 1948 को आपने वफात पाई। ये सिंपल भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि राय मुल्क अदम हुए या इस तरह की वर्डिंग लिखे मुश्किल, आप आसान वर्डिंग भी कर सकते हैं। कौम ने कराची में अपने मौसम के शाहान के एक अजीम मकबरा तामीर करवाया के ना लिखे, कौम ने कराची में अपने मोहसिन के शाहान निशान एक अजीम मकबरा तामीर करवाए जो आज भी मर जाए कलाए के। कायदे आज़म तो हमसे रुखसत होगी लेकिन उनका लाफानी करदार आज भी हमारे लिए मछली रहा है। ये आप लास्ट वाली लाइन थोड़ी मुश्किल वर्डिंग है, आप लोग इजी कर लें, सिंपल सा लिख दें कि आखिरकार 11 सितंबर 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वफात पाई और उनका मज़ार कराची में है, ये सिंपल सा लिख के तो इसका एंड कर दें। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान एहसान, ये आप हाईलाइट कर लें, इससे ऊपर नीचे वन लाइन लीव करनी है। जैसा कि हम आपको हमेशा बताती हूँ कि आपने दोनों साइडें इक्वल रखनी है और इन्वर्टेड कॉमास कोई फुल स्टॉप शेयर के मत लगाया करें। आप लोग यकीनन आपको तकरीबन सारा समझ आ चुका होगा, इसमें वैसे तो एक दो लाइंस अगर कमी पेशी होती है काट सकते हैं लेकिन ये कि इसमें इतना ज़्यादा नहीं है और ये कायदे से मज़मून मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में और इसलिए इसको अच्छी तरह अभी से आप लोग घरों में बैठे होते हैं आजकल ज़रा फारिग तो नहीं होते लेकिन ये है कि आपको टाइम मिल रहा है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके घर में याद कर लें इस मज़मून को, ये बच्चों आपके आगे भी काम आएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मज़मून होता है, कायदे आज़म हो, अल्लामा इकबाल हो या इस तरह के मज़मून ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं शख्सियत, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कोई ना कोई एक आती है तो आप प्लीज़ इसको याद कर लें। ये ना आप समझ लेना कि मैंने पेपरों में देना है या मैंने करना है, ये मैं स्कूल के पेपर्स की बात नहीं कर रही, ये वैसे जो होता है मज़मून शख्सियत कोई भी हो वो इम्पोर्टेंट होती है। कायदे आज़म अल्लामा इकबाल आप अभी से याद करेंगे तो आपको आगे काम आएगा अगली क्लासेस में, ये वर्डिंग भी इसकी मुश्किल होती है लेकिन ये है कि ये आपको अगली क्लासेस में 9th 10th में बड़ा काम आएगा, आप लोग अभी से याद करना शुरू कर